जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी को के पी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर तो आप सभी को बता दें इंडियन एयर फोर्स यानी भारतीय वायु सेना के तरफ से ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो कि टेंथ पास भर्ती होता है अगर आप टेंथ पास है किसी भी बोर्ड से तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार की परसेंटेज की मांग नहीं किया जाता है केवल टेंथ पास पर यह भर्ती है और आपको बता दें कि ये वैकेंसी आज जारी किया गया है यानी कि तीन चार दो हज़ार इक्कीस यानी तीन अप्रैल यानी कि आज ये वैकेंसी जो है इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसका फॉर्म भी आज से अप्लाई शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है इसका दो पाँच दो हज़ार इक्कीस रहने वाला है यानी कि मई महीना इसका लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो ये वेकेंसी है इसका डिटेल दिया गया है आप सभी को बता देते हैं ये ऑफलाइन फॉर्म है तो यहाँ पे आप सभी पढ़ सकते हैं कि अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट एट द वेरियस एयरफोर्स स्टेशन यहाँ पर काफी सारे स्टेशन का नाम दिया गया है एयरफोर्स का और इसे ऑफलाइन अप्लाई करके जो है जिस स्टेशन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे आप ऑफलाइन जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू फॉर्म अप्लाई करके भेज सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला जो स्टेशन है यह कमांडिंग ऑफिसर वेस्टर्न यहाँ पे आप सभी को बता दें वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट्स के तरफ से है कमांडिंग ऑफिसर वेस्टर्न एयर कमांड और यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन सुब्रोतो पार्क न्यू दिल्ली और इसका यहाँ पे पिन कोड भी देख सकते हैं तो अगर आप सभी चाहते हैं तो इस एयरफोर्स स्टेशन में जो है आप अपना पोस्ट ऑफिस के थ्रू फॉर्म अप्लाई करके भेज सकते हैं या एयरफोर्स कमांडिंग एफ स्टेशन श्रीनगर यानी कि इसमें बत्तीस स्टेशन का नाम दिया गया है तो आपके ऊपर डिपेंड है आप जिस स्टेट में है और आपका जो नज़दीक स्टेशन पड़ता है एयरफोर्स का वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे पोस्ट के बारे में दिया गया है जैसे कि इसमें काफ़ी सारे पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है जैसे कि देख सकते हैं कुक है हाउस कीपिंग स्टाफ है मेस स्टाफ है हिंदी टाइपिस्ट है और इसके अलावा आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट है आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे जो है पोस्ट का डिटेल दिया गया है कि कितना पोस्ट है कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है टोटल पोस्ट आपको बता दें कि टोटल पोस्ट इसमें पंद्रह है और ये जो है ऑल इंडिया वैकेंसी है ऑल इंडिया वैकेंसी है भारत के आप किसी भी स्टेट से है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो ये वैकेंसी है इसके डिटेल्स और यहाँ पे दिया गया है जैसे कि एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन पलम न्यू दिल्ली एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला है हरियाणा में जो पड़ता है और यहाँ पे पोस्ट वाइज और पोस्ट कितने वैकेंसी है ये सभी यहाँ पे जानकारी दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब लुधियाना के लिए है और यहाँ पे चंडीगढ़ है आपको जिस स्टेशन पर इच्छा है उस स्टेशन पर आप फॉर्म अप्लाई करके भेज सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है और जिस स्टेशन पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेशन का एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है इसी सभी एड्रेस पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है और किसी एक स्टेशन पर जो है आपको फॉर्म को अप्लाई करना है ऐसा नहीं है कि सभी स्टेशन पर जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी देख लेना इस नोटिफिकेशन को क्योंकि यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में काफ़ी सारे स्टेशन का नाम दिया गया है अगर मान लीजिए कि आप न्यू दिल्ली में रहते हैं सपोज तो न्यू दिल्ली आपका नज़दीक है तो न्यू दिल्ली में ही आप इस स्टेशन पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के स्टेशन पर आप अप्लाई कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है आप दूसरे भी स्टेशन पर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेशन पर और यहाँ पे पोस्ट नेम और कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है ये सभी डाटा आप सभी देख सकते हैं क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपको पता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्टेशन का नाम दिया गया है तो आप सभी एक बार इसे पढ़ लेना जब आप फॉर्म अप्लाई करना तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी डिटेल्स है और यहाँ पर काफ़ी सारे जो है स्टेशन है यहाँ पर आप सभी देखते जाएंगे यहाँ पे कंप्लीट जो है यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है देख सकते हैं बत्तीस जो है इसमें टोटल स्टेशन जो है नाम दिया गया है और आप किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा मेंटेनेंस कमांड यूनिट के तरफ से भी भर्ती है यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं यानी कि चार कमांड के तरफ से यहाँ पे भर्ती जारी किया गया है तो इसमें भी बत्तीस स्टेशन है आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका नोटिफिकेशन है जिसमें बत्तीस स्टेशन इसमें भी है इसके अलावा सेंट्रल एयर कमांड यूनिट्स के तरफ से भी भर्ती है तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो है ये काफ़ी बड़ा लंबा है ईस्टर्न एयर कमांड यूनिट्स के तरफ से भी भर्ती है यानी कि वैकेंसी जो है चार कमांड की तरफ से जारी किया गया है तो ये आपके ऊपर आपके अकॉर्डिंग जो है साउथर्न जो है यहाँ पे एयर कमांड यूनिट्स की तरफ से भी भर्ती है इसके अलावा बात कर लेते हैं अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आप सभी तो वो देख लीजिए आप कैसे जो है आप समझ गए होंगे कि किस स्टेशन पर हमें फॉर्म अप्लाई करना है एज की बात करें तो एज लिमिट जो है अठारह से पच्चीस वर्ष रहेगा मिनिमम अठारह मैक्सिमम पच्चीस तीन वर्ष का छूट ओबीसी को मिल जाएगा और पाँच वर्ष का छूट एस सी को मिल जाएगा और फिजिकल हैंडीकैप्ट को जो है दस वर्ष का छूट यहाँ पे मिल जाएगा इसके अलावा आप सभी को बता दें कि जो वैकेंसी है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता दें तो सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है ग्रेजुएट होना चाहिए और अगर बात करें यहाँ पे जो स्टोर कीपर है हिंदी टाइपिस्ट है तो अगर ट्वेल्थ पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कॉम्प्यू जब आपका एग्ज़ाम होगा तो टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जाएगा जो है यहाँ पर देख सकते हैं पैंतीस जो है वर्ड पर मिनट में यानी कि एक मिनट में जो है पैंतीस वर्ड इंग्लिश में और हिंदी में अगर करना चाहते हैं तो तीस वर्ड लोअर डिवीजन एल डी के भी वैकेंसी है जो कि ट्वेल्थ पास पर है इसके अलावा आप सभी को बता दें यहाँ पे कुक के लिए भी वैकेंसी है जो कि मैट्रिकुलेशन पर है कारपेंटर के लिए भी है और इसके अलावा हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए भी है अब देखिए अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है तो आप हाउस कीपिंग स्टाफ सफाई वाला पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो कि केवल मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है केवल इसमें टेंथ पास है हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए तो ये वैकेंसी मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि लॉन्ड्री मैन के लिए जो है डिजायरेबल में वन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है लेकिन हाउस कीपिंग स्टाफ में जो है आपसे केवल टेंथ पास मांगा जा रहा है तो यहाँ पे मेस स्टाफ के लिए आपको बता दें मेस स्टाफ के लिए भी टेंथ पास होना चाहिए लेकिन एक साल का एक्सपीरियंस इसमें भी है तो हाउस कीपिंग जो स्टाफ है एच के एस हाउस कीपिंग स्टाफ इसमें केवल टेंथ पास है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं नहीं तो अगर आपके पास पहले से कोई डिजायरेबल सर्टिफिकेट है तो आप इसमें लगा सकते हैं यहाँ पे मोड यहाँ पर देख सकते हैं द लास्ट डेट तीस डे यानी कि बताया गया है ऑफ ऑफ फॉर्म फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट आपका तीन चार दो हजार इक्कीस को आया है और इसका लास्ट डेट आपका दो पाँच दो हजार इक्कीस रहेगा तो दो पाँच दो हजार इक्कीस तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप सभी इसे पढ़ लेना मैं यहाँ पे कुछ जानकारी आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई में आप सभी देख सकते हैं कि इम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जिक्र किया गया है जो कि आज आ चुका है ये वैकेंसी और यहाँ पर इसे जो है ऑफलाइन आपको फॉर्म को अप्लाई करना है देखिए ऑफलाइन फॉर्म को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कोविड 19 का इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है इसी फॉर्म को जो है आपको अप्लाई करना है यहाँ पर देख सकते हैं अप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपको पोस्ट नेम जो है फादर्स का नेम डेट ऑफ बर्थ ये आपको एड्रेस है ये सभी तो आप फिल कर लेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर ऑफिशियली रिकॉर्ड के लिए है इसे आपको फिल नहीं करना है और इसमें केवल आपको नाम फिल करना है ये चार पाँच जो है आपको फिल नहीं करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट जो नोटिफिकेशन था आपको मैंने बता दिए अब काफ़ी स्टूडेंट ये पूछेंगे कि इसका फॉर्म को अप्लाई को लेकर एक वीडियो बनाइए तो अगर आप सभी चाहते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए हम नेक्स्ट वीडियो जो है फॉर्म अप्लाई को लेकर बनाएंगे कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई आपको करना है और आप अपना क्वालिफिकेशन भी हमें बता सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो एक वीडियो बना दूंगा इसके फॉर्म अप्लाई को लेकर और कैसे भेजना है कहाँ से भेजना है हालांकि पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना है तो किस प्रकार से आपको जो है डाक डाक टिकट लगाना है जितनी भी जानकारी है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक लिए जय हिंद बंदे मातरम